हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कार्तिक, आप सभी का स्वागत करता हूँ मुट्ठी क्लब में। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि डेडपूल 3 जल्द ही रिलीज होने वाली है, तो चलो आज उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको डेडपूल 3 देखने से पहले पता होनी चाहिए कि आपको डेडपूल 3 में क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकलोली के। सबसे पहले तो उन मूवीज एंड सीरीज की बात कर लेते हैं जो आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है डेडपूल 3 को देखने से पहले, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डेडपूल के पिछले दोनों पार्ट का। क्योंकि भाई आप डेडपूल 3 देखने जा रहे हो तो उसके प्रीवियस दोनों पार्ट की नॉलेज भी आपको होनी ही चाहिए। उसके साथ में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोकी सीरीज को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर टीवी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है एंड आपको लोकी सीरीज से टीवी के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। क्योंकि हो सकता है इस मूवी के अंदर हमें लोकी भी देखने को मिल जाए, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम है। हो सकता है वो एक दो सेकंड के लिए आ जाए, पर उससे ज्यादा नहीं। इसके साथ साथ आपको एक्समैन फ्रेंचाइजी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस मूवी के अंदर इतने सारे एक्समैन कैरेक्टर्स के कैमियोज होने वाले हैं, जिसे देखने के बाद में आप एक ही चीज बोलोगे, तू जिंदा है? ये कोई जिंदगी है? वक्त बे वक्त यहाँ वहाँ भटकना, मरा हुआ ही समझो, फिलोसफी। एंड इतना सब देखने के बाद में अगर आपके इसमें थोड़ा सा भी टाइम बच जाए तो फैंटास्टिक फोर देख लीजिएगा 2005 वाली, क्योंकि वो हो सकता है इस मूवी के अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करे। अब बात करते हैं कि इस मूवी में आखिर होने क्या वाला है, जिसके लिए हम इस मूवी के ट्रेलर एंड उसके साथ साथ थोड़े कॉमिक बुक का ज्ञान यूज करेंगे। क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हम देख चुके हैं कि डेडपूल खुद की एक टीम तैयार कर चुका है एंड वो टीम कम फैमिली ज्यादा है, जिसके अंदर डेडपूल फ्रेंचाइजी के अंदर दिखे सारे सुपर हीरोज एंड उसके साथ साथ उसके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं केबल को छोड़ के। लेकिन इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे डेडपूल ने पिछले पार्ट में जो कर्मकांड करे हैं उसके बाद में टीवी उसे उठाने के लिए आ गई है, जैसे कि वो लोकी सीरीज में लोकी को उठाने आई थी। लेकिन किंतु परंतु इधर थोड़ा सा चेंज है मेरे भाई, ये डेडपूल को वॉइड में नहीं फेंकने वाले, ये लोग डेडपूल की हेल्प लेना चाहते हैं ताकि किसी बड़ी प्रॉब्लम को आने से रोक सके। एंड जिन लोगों को नहीं पता ये प्रॉब्लम क्या है वो मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लो यार, मैं ऑलरेडी डिटेल में सब बता चुका हूँ। तो ओवरऑल बोलूँ तो इस मूवी के अंदर हमें टीवी और डेडपूल टीम अप करते हुए नजर आएंगे एंड सबको पता है कि जहाँ टीवी होता है वहाँ टाइम ट्रैवल तो होता ही होता है। एंड हम सबको पता है कि अगर डेडपूल को टाइम ट्रैवल की पावर दे दी जाए तो वो इन शक्तियों का कितने अच्छे से दुरुपयोग करता है, जो कि हम पिछले पार्ट में देख ही चुके हैं। तो इस मूवी में वैसा ही कुछ कर्मकांड दिखने वाला है। इसी सब के चलते ये भी हो सकता है कि जैसे हमें कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका देखने को मिला था, वैसे ही हमें इस मूवी के अंदर डेडपूल वर्सेस डेडपूल भी देखने को मिल जाए। और टाइम ट्रेवल के साथ साथ इस मूवी के अंदर मल्टीवर्स के भी दर्शन करवाए जाएंगे, जिसके चलते हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन के मल्टीपल वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे। एंड इतना ही नहीं, इस मूवी के अंदर इतने सारे कैमियोज होने वाले हैं जिसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो किसका इंतजार कर रहे हो यार, जाके देख लो। इन सब के साथ में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली आर रेटेड मूवी होने वाली है, जिसके चलते हमें मार्वल का एक अलग टेक देखने को मिलेगा, जिसके चलते हो सकता है कि मार्वल अपने कॉमिक एक्यूरेट चीज़ें दिखा पाए एंड वो देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि मार्वल कॉमिक बुक के अंदर डेडपूल का एक ऐसा वेरिएंट भी है जो पूरे मार्वल यूनिवर्स को ख़त्म कर चुका है, एंड अगर इस मूवी के अंदर उस वेरिएंट का थोड़ा भी हिंट मिला तो मैं कसम से बता रहा हूँ मैं अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर नाचने वाला हूँ। बाकी इस मूवी के अंदर मेन विलन कैसेंड्रा नोवा होने वाली है, जिसके असल में प्रोफेसर एक्स जैसी पावर है एंड ये इकलौती विलन नहीं होगी इस मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर हमें मल्टीपल विलन्स दिखने वाले हैं। तो किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि इस मूवी के अंदर कितने सुपर विलन्स को रोकने के लिए कितने सुपर हीरोज आने वाले हैं। बाकी ये मूवी वॉइड के अंदर टेक प्लेस करेगी, जिसके चलते हमें इस मूवी के अंदर एलॉयथ एंड फायरो जैसे कैरेक्टर कमबैक करते हुए नजर आएंगे, जो कि हमें लोकी सीरीज में देखने को मिले थे। एंड यही सब चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए इस मूवी को देखने से पहले, क्योंकि इससे ज्यादा तो सिर्फ इस मूवी के डायरेक्टर शॉन लेवाई को ही पता है। हम फैंस इस मूवी को और ज्यादा जानने के लिए सिर्फ 26 जुलाई तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी को उसी डेट पे रिलीज करा जाएगा थिएटर्स में। एंड उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ भी पसंद नहीं आया हो या आपका कोई भी फीडबैक तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसी डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।